मिलकर भारत की सर्वप्रथम निःशुल्क अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला अर्थात सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट का 15 मई को प्रातः 11 बजे शुभारंभ करने जा रहा है। इस इकाई में ऑटोबॉक जर्मनी से आयातित मशीनें लगाई गई हैं। इसको फंड किया है रोटरी इंटरनेशनल ने तथा रोटरी क्लब उदयपुर ने मेवाड़ ने रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ ने 1,35,00,000 करीब फंड रोटरी क्लब ने किया है और लगभग 50 से 70 लाख फंड नारायण सेवा संस्था ने अपने डोनर से किया है। 2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग आने वाले समय में पेशेंट्स को बहुत गुणवत्ता वाला अत्याधुनिक मशीनों से बनाया हुआ 0.00 mm एक्यूरेसी के साथ लाइट वेटेड आर्टिफिशियल लिम्ब दे पाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अभी 70,000 रुपये उन पैरों के लेती है और गरीब व्यक्ति को पैर मुहैया नहीं होता। पहले भारतवर्ष में और अभी भी भारतवर्ष में बहुत सारी संस्थाएं SDP पाइप को मोल्ड करके पैर बना के दे रही है, वो बहुत ज़्यादा वजन में वेटेड होता है और उसका सॉकेट इस प्रकार का होता है कि वो पैर को जो कटा हुआ पैर है उसको तकलीफ देता है, उसमें घर्षण होता रहता है और घाव का निर्माण हो जाता है। तो वो पेशेंट को पैर है लेकिन वो पैर को वो टांग देता है या वो फेंक देता है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था आज तक। एक गरीब व्यक्ति के पास अगर 1,500 रुपये का पैर मिल रहा है और दूसरा कोई संस्था देने वाला ही नहीं है पैर, तो उसके पास उपाय क्या है उसको लेने के अलावा। लेकिन अभी नारायण सेवा संस्थान ने मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना शुरू किया है जो पेशेंट के स्टम को नाप लेकर मेजर लेकर बनाया जाता है और पॉलीप्रोपिलीन शीट जो लाइट वेटेड शीट होती है जो 250 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है वो लगाकर उसके अंदर पैडिंग लगाकर और नीचे एक पाइप और उस अभी आपको बता दूं जो हमारा घुटना है वैसा ही घुटना मैकेनिकल बनाया जाता है। तो वो फुट भी उसमें रबर का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। तो इस पैर को पहनने के बाद व्यक्ति को चलना फिरना बहुत आसान हो जाता है और कोई व्यक्ति अगर देखता है तो सामने वाले को एहसास ही नहीं होता इसके पैर नहीं है। और इवन टू अगर अबोव नी पैर कटा हुआ है तो भी एहसास नहीं होता क्योंकि इसमें घुटना फोल्ड होता है, जैसे हमारा पैर चलता है वैसे ही एक आर्टिफिशियल लिम्ब पहने हुए व्यक्ति का पैर चलता है जिसका अबोव नी पैर कटा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो SDP पाइप का पैर है उसमें घुटना मुड़ता नहीं, आपको स्ट्रेट ही चलना पड़ेगा। स्ट्रेट चलने में बड़ा बुरा लगता है, व्यक्ति बताना नहीं चाहता मैं दिव्यांग हूँ लेकिन सामने से पता लगता है ये दिव्यांग। और इस पैर को पहनने के बाद एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्यक्ति को लगता है कि मैं भी एक आम आदमी की तरह हूँ, मुझे कम मत समझिए। और इस इकाई का उद्घाटन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI की चेयरमैन दीपा मलिक कर रही है। दीपा मलिक दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, वो हमारे रियो के पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता है और एक बहुत अच्छी मोटिवेटर है और उनकी स्टोरी बहुत कमाल की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन्हीं के मुँह से उनकी स्टोरी सुनिएगा। वो दिव्यांगों को अंदर से हीन भावना आधे घंटे में उनकी हीन भावना को बाहर कर देती है, उनमें इतनी ताकत है। और मुझे लगता है इस इकाई का उद्घाटन करने के लिए उससे बेस्ट कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। और ये केवल एक फेस शुरुआत है, हमारा लक्ष्य है कैटकैम मशीन से पैर बनाना। भारत में अभी कहीं भी कैटकैम मशीन का उपयोग करके पैर नहीं बनाए जा रहे, वो मशीन इतनी इम्पोर्टेंट। जैसे आपने देखा ना कि हैंडीक्राफ्ट के जो वस्तुएं बनती है उसमें एक मशीन होती है जो कार्विंग करती है और सुंदर एक वस्तु का निर्माण कर देती है, वैसे ही एक मशीन होती है कैटकैम जो पैरों का कार्विंग करती है और सुंदर कृत्रिम अंग का निर्माण कर देती है। और हम इसमें कॉस्मेटिक स्पंज भी लगा रहे हैं, जैसे एक तो पाइप होता है नीचे, पाइप के ऊपर एक कॉस्मेटिक स्पंज लगता है जो आपके स्किन कलर का मैच होता है, आपको लगेगा नहीं। अगर वो हाफ एंड भी पहना हो तो आप ये नहीं कह सकते इसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगा है। तो एक बहुत बड़ा अंतर, जो गरीब दीनहीन असहाय व्यक्ति है उसके पास ये अप्रोच ही नहीं थी कि वो इतना महंगा पैर निःशुल्क पा पाए। तो पूरे भारत में अभी जितने भी पुराने पैर लिए हुए हैं वो सब नारायण सेवा संस्थान के कैंप्स में आते हैं और पुराना पैर छोड़ के जाते हैं और नया पैर लेके जाते हैं। और इसमें अच्छी बात ये, अगर आप बड़े हो रहे हैं लंबे हो रहे हैं तो आप उस पाइप को थोड़ा सा काट दीजिए या उस पाइप को लंबा पाइप लगा दीजिए,
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैर बदलना, बहुत आसान है उसको मेंटेन करना और उसमें करेक्शन लाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 15 मई को प्रातः 11 बजे जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो स्वयं पधारे हैं और अपने आंखों से इस इकाई को देखें और इस इकाई को, इसकी डेप्थ को, इसकी गहराई को समझें कि कितना अच्छा काम दिव्यांग बच्चों के पास होंगे। पर मैंने कई पिछले साल कई बार अंध विद्यालय में बहुत सेवाएं की है तो मुझे वो फीलिंग आती है कि जो लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं उनकी जिंदगी में एक तरह से आप सोचिए अगर पूरा सब कुछ डार्क है तो कैसी फीलिंग होती है। वैसे ही जिनके पास पांव या हाथ नहीं है तो इट विल बी अ वॉइड इन देयर लाइफ, तो उस वॉइड को हम कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान के साथ। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में, विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ ये काम कर पा रहे हैं और आशा करते हैं कि हमें आगे भी इस तरह के मौके मिलते रहेंगे तो हम समाज की सेवा के लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करते रहेंगे। आप सब लोग यहाँ बता रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मानसचंदन साहू से रिक्वेस्ट करूंगा। दो शब्द सभी को नमस्कार। मैं जो भी बोलूंगा थोड़ा हिंदी में दिक्कत आएगी, मैं उड़ीसा से हूँ, 25 साल से नारायण सेवा संस्थान में डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। मैंने जो देखा है इतने टाइम के अंदर, पहले मरीजों को जब आर्टिफिशियल लिम्स देते थे वो एक मजबूरी थी उनको लेना, क्योंकि उससे चाहे कितनी भी दिक्कत हो तो भी उनको लेना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत भारी होता था और कुछ टाइम यूज़ करते, कुछ लोग यूज़ भी नहीं करते थे वो छोड़ देते थे। और बहुत सारे संस्थाएं पूरे भारत में हैं जो निःशुल्क देते हैं, परंतु स्थिति वही थी जे लोग ले जाते थे फिर और फिर उसको और कुछ दिनों यूज़ करते थे और तकलीफ होता था फिर छोड़ देते थे। इस चीज़ को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी, प्रोफेशन में भी इम्प्रूवमेंट आई, काफ़ी रिसर्च वर्क हुई और ये जो टेक्नोलॉजी आते गया उसमें हमारे प्रेसिडेंट सर जो आपके विजन बहुत हाई होती, मैंने देखा है जो उन्होंने हमेशा सोचा जे केवल भारत में नहीं अपन विश्व में सब जगह ये सुविधा पहुंचा सके, लेकिन अगर हम विश्व में पहुंचाएंगे तो उसके लिए टेक्नोलॉजी हाई होना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रख करके उनके जो सपना है वो आज धीरे धीरे पूरा होते गया है और रोटरी क्लब की मदद से ये सारे उपकरण जर्मनी से मंगाए गए ऑटोबक की कंपनी से। तो इससे क्या होगा, जो जिस तरह का सॉकेट अभी बना रहे थे जो जिसको जिसमें फिट आता है उसमें जो तकलीफ होती थी जो किस किस जगह पे चुभता था वो सारे चीज़ें इससे काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बनेगी। और जो पेशेंट आमकुटी से सपने देखते थे जो हम उस टाइप के पेड़ लगा सके जिसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो चीज़ें उनको मिलेगी। और जैसे सर ने बताया जो हम लैमिनेटेड सॉकेट्स, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी नीड होती है जैसे कि ओवरवेट होते हैं और उनको अगर हम पॉलीप्रोपिलीन सॉकेट देते हैं तो वो थोड़े टाइम में टूट जाती है, तो वहाँ हम कार्बन फाइबर लैमिनेटेड सॉकेट देंगे जिससे कि वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और लाइट भी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो पाएगी जो अभी तक संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात है हम लोग बहुत सारे कैंप्स करते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग में जो समय लगता था वो भी बहुत कम हो जाएगा, तो उससे क्या है एक्यूरेसी सारी चीज़ें मेंटेन होगी। इतने काम करना कैटकेयर मशीन कार्बिंग मशीन है, अगर बॉम्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उसको पैर चाहिए तो हम 3 दिन बाद उसको पैर डिलीवर कर पाएंगे। और इमेज स्कैनर एक प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर के पास वहाँ बॉम्बे में रहेगा, वो इमेज स्कैन करेगा और सॉफ्ट कॉपी सिस्टम से यहाँ मशीन में भेज देगा, मशीन उसको कार्बिंग करेगी। मशीन में ऑलरेडी सॉकेट प्लास्टिक लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, उसकी डाई बन जाएगी अपने आप और अपने आप वो ऑटोमेटेड तरीके से बिना मैनुअल इंटरवेंशन के, किसी टेक्नीशियन की भी ऑलमोस्ट जरूरत नहीं, और वो मशीन पूरा कार्बिंग करके प्रॉपर सॉकेट बना के देंगे और 3 दिन बाद
हम उस पेशेंट को वहां पहना पाए। तो ये यूनिट यहाँ लगानी है, एक्चुअल में बिल्डिंग बनी थी इसलिए हम यहाँ नहीं लगा पा रहे, लेकिन ये शहर में रहेगी तो अच्छा रहेगा, वो काफी दूर है और इस यूनिट से हम पूरे भारत को कैटर कर सकते हैं। जी, किसी व्यक्ति का कुछ विशेष कारणों से पहले नंबर आ जाए ऐसा नहीं करना चाहेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस पे ही काम होना चाहिए। एक पेशेंट ऐसे जो जयपुर बुक वगैरह में गए थे और रंग के मेले पर लग नहीं सकते, उन्होंने मना कर दिया, तो दोनों आँख वगैरह कट चुकी, क्या उसमें ऐसा कुछ हो सकता है? उनकी जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो मतलब लोगों से सोसाइटी में मिलने जाएंगे तो एकदम से उनका सेल्फ एस्टीम कम नहीं होगा, वो अच्छा फील करेंगे। वो हाथ वर्केबल नहीं होगा, केवल दिखेगा कि हाथ है, ये बहुत अच्छा है। बेसिकली हम पब्लिसिटी करते हैं। एक्चुअली में अभी हमने अफ्रीका में बहुत सारे कैंप्स किए थे, अफ्रीका में हमने नैरोबी में कैंप किया, मोम्बासा में कैंप किया, युगांडा में कैंप किया, अभी हम 11 जून को तंजानिया में कैंप कर रहे हैं। वहाँ ऐसी स्थिति है कि ये जो हम पैर देते हैं ये 2.5 लाख रुपये का पैर है, वहाँ ये सेम पैर 2.5 लाख रुपए का है और 2 साल की वेटिंग है। वहाँ बहुत पुरानी टेक्निक्स चल रही है और पैर कटे हुए लोग आपको भारत से 5 या 7 गुना ज्यादा मिलेंगे। वहाँ हमने वहाँ कैंप्स किया तो हम देखते दंग रह गए कि भारत में कैंप करते हैं तो मैक्सिमम 200-250 पेशेंट आ जाते हैं, बहुत बहुत प्रचार करें तो, लेकिन वहाँ हमने प्रचार इतना नहीं किया और 500 पेशेंट आ गए और सब तरफ। और साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग की बात करता हूं मैं, तो वहां जो पेशेंट्स थे, जितने भी पेशेंट थे सब डायबिटीज की वजह से पैर कटे, सभी पेशेंट, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था उस कैंप में जो दुर्घटना से पैर कटे, सबके डायबिटीज, डायबिटीज की वजह, डायबिटीज एक बहुत बड़ी कारण है पैर के कटने का, बहुत ज्यादा हाइपर डायबिटिक लोग हो जाते हैं, उसके बाद घाव हो जाते हैं पैरों में और गैंग्रीन फैलता है, तो डॉक्टर के पास पैर काटने के लिए कोई उपाय नहीं होता। जो है अभी भारत में हम लोग इसी तरह का केंद्र पूरे भारत में 4 बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसी प्रकार के चारों दिशाओं में केंद्र रहेंगे और जो सुविधा हम यहाँ दे रहे हैं वो सुविधा वहां भी मिलेगी आने वाले समय।